कि बालाजी ने आपको साक्षात उस एक्सीडेंट से बचा लिया, एक्सीडेंट से बचा लिया और 140 की स्पीड में डिवाइडर से टकराते हुए पांच पलटी गाड़ी जो है 140 की स्पीड में मारी। कंडीशन ऐसा था जिसमें कोई भी जिंदा बचता नहीं, नस दब गया, रीढ़ का हड्डी टूट गया, आदमी स्पॉट मर गया। बालाजी साक्षात जो है सुखड़ा होकर के बचाए। ये देश अली का नहीं, ये बजरंग बली का देश है। भारत कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। एक बार आ जाने के मात्र से ही लोगों पे बालाजी की कृपा बनी रहती है। जय सियाराम सभी को, मैं हूं सनातनी मयूर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। और अभी मैं बागेश्वर धाम आया था। मुझे कुछ दिन पहले शिवम कुमार युवा समाज सेवी के सेवा करने वाले शिवम कुमार मिले हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस है जो वो बताना चाहते हैं। और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि भैया ऐसा क्या हुआ शिवम जी आपके साथ जो आप बागेश्वर धाम से जुड़ गए, और बागेश्वर धाम से जुड़ने के पहले आप कैसे थे और आप जुड़ने के बाद कैसे हैं, क्या चेंजेस आए आपकी जिंदगी में। जय सियाराम, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ, शिवम कुमार उप सरकार। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का। और हुआ ऐसा कि मैं पहले बार बागेश्वर धाम आया था, उसके बाद यहाँ जाने के बाद में एक बार कार ड्राइव करके मैं मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की तरफ लौट रहा था। 140 की स्पीड में गाड़ी थी और गाड़ी अचानक जो है सो एक ट्रक के आने से अनियंत्रित हुई और 140 की स्पीड में डिवाइडर से टकराते हुए पांच पलटी गाड़ी जो है सो 140 की स्पीड में मारी, जिसमें गाड़ी का सॉकेट टूट गया, ठीक है, एक दाहिना वाला सॉकेट टूट गया, एयर बैग खुल के फट गया, ठीक है। कंडीशन ऐसा था जिसमें कोई भी जिंदा बचता नहीं। मेरे बगल वाला जो ड्राइविंग सीट पे हम खुद थे, बगल वाला जो आदमी था उसका गर्दन का नस दब गया, रीढ़ का हड्डी टूट गया, वो एक साल तक हॉस्पिटलाइज रहा, ठीक है, लेकिन हमको एक स्क्रैच तक नहीं लगा, ठीक है। और ये सब बालाजी की कृपा से ही है, ठीक है। ये एक्सीडेंट हुआ तो आपको कुछ नहीं हुआ? हमको कुछ नहीं हुआ, एक स्क्रैच तक हमको नहीं लगा, जब हम निकले तो हमको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्या आप और वहाँ का जो लोग देखा, ठीक है, एट स्पॉट पे जो मौका है वारदात पे जो लोग खड़ा था, वो लोग जो देखा वो लोग बता रहा था कि हम लोगों को तो लगा कि इसमें का आदमी स्पॉट मर गया। तो क्या बालाजी का नाम जप रहे थे या हनुमान चालीसा पढ़कर आए थे, क्या कैसा क्या था उस? पहले बार हम बालाजी आए हुए थे और नेक्स्ट बार यहाँ से गए थे। अच्छा, मतलब बागेश्वर धाम आए, बागेश्वर धाम एक बार हम आए हुए थे और नेक्स्ट बार यहाँ से गए थे। एक बार आ जाने से की मात्र से ही, यहाँ आ जाने के मात्र से ही लोगों पे बालाजी की कृपा बनी रहती है और बालाजी हर मुसीबत में उनका साथ देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो मेरे साथ घटना हुआ ये उसको प्रमाणित करता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जब आप यहाँ के दर्शन करके गए उसके बाद आपका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि आप बच जाओगे? एक्सीडेंट ऐसा था जो उम्मीद किसी को नहीं था, ठीक है। और जो प्रशासन के पास जो गाड़ी यहाँ से प्रशासन जो खींच के ले गया, सो एजेंसी में जो गाड़ी एजेंसी वाले देखे सो, और मौका वारदात पे जो पब्लिक देखा सो, वो लोग का कहना था कि इसमें जो लोग रहा होगा सो स्पॉट मर गया, लेकिन बगल वाला जो था वो भी बालाजी के आशीर्वाद से सिर्फ जिंदा बच गया, एक साल के बेड रेस्ट पे रहा, लेकिन हमको स्क्रैच तक नहीं लगा। अच्छा, तो आप बालाजी के भक्त शुरू से थे क्या? बालाजी के भक्त हम हनुमान जी के भक्त शुरू से थे, ठीक है, बचपन से हनुमान जी के भक्त हैं। बागेश्वर धाम पहला बार आए थे और यहाँ से जाने के बाद में जो एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में बालाजी ने बचा लिया और ये उसको प्रमाण करता है। आपने नाम लिया था या कुछ भी ऐसा कुछ उस टाइम पे बालाजी का? उस टाइम पे नाम कुछ नहीं लिए थे, यहाँ जाने के बाद में हम बराबर नाम लिया करते थे और अच्छा। जो है सो पूजा पाठ किया करते थे बालाजी का रेगुलर। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये किसने बचाया आपको, कैसे बचाया? बालाजी साक्षात जो है सुखड़ा होकर के बचाए, इसलिए सनातन धर्म में वो ताकत है कि जो लोग सनातन धर्म से जुड़ता है और जिनकी आस्था सनातन धर्म से जुड़ी हुई है उनके साथ बालाजी हमेशा खड़ा रहते हैं और कलयुग के देवता साक्षात बालाजी ही हैं अभी। अच्छा, तो आपका कहना सीधा सीधा ये है कि बालाजी ने आपको साक्षात उस एक्सीडेंट से बचा लिया? एक्सीडेंट से बचा लिया ना, तो 140 की स्पीड में और एयर बैग फटने के बाद बचता कौन है? आपका मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए। तो आप युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो युवा इतने तेज गाड़ी चलाते हैं और कुछ भी, मतलब कि पहले तो आप मना करेंगे मैं जानता हूं, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं बालाजी के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं बागेश्वर धाम के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि जो युवा अभी तक अपने धर्म से नहीं जुड़े हैं वो अपने धर्म से जुड़े, और जो युवा भटक रहे हैं इधर उधर, जो युवा पब और क्लब में जा रहे हैं उनको मंदिरों में आना चाहिए और बालाजी के दरबार में आना चाहिए। जो 1 जनवरी पब और क्लब में मनाते हैं उनको बालाजी के दरबार में मनाना चाहिए, ठीक है। और हमेशा अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, अपने जड़ से जुड़ना चाहिए। अपने जड़ से जुड़े रहोगे कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जड़ से भटकोगे हर जगह पर तुमको बाधाएं और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी बोली शिवम भैया ने बोला, जो 1 जनवरी पहला साल जब आप न्यू ईयर होता है आपका, न्यू ईयर के टाइम पर
आपको बालाजी के दर्शन करने आना चाहिए, इनके साथ न्यू ईयर मनाना चाहिए। वो हमारे सनातन धर्म का तो न्यू ईयर अलग आता है, ठीक है। फिर भी भैया कहते हैं कि ये एक जनवरी को क्लब पार्टी ना जाए, बालाजी के मंदिर आए और यहाँ के बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र के जो पीठाधीश्वर हैं जयंत कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया है हिंदू राष्ट्र का, और बहुत जल्दी ये नारा साकार होने वाला है। जिस तेजी से उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में उनके साथ अभी तक लोग जुड़ चुके हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्द जो है सो हिंदू राष्ट्र के लिए वो निकल पड़ेंगे, और उनकी जो सेना है जो बालाजी के पागल है वो उनके साथ जो है सो चलेंगे, और हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी भारत होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया जैसे आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही है, कई धर्म विरोधी कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? भारत कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन वो तो एक संविधानिक तौर पे उसको मान्यता दिलवाना है हिंदू राष्ट्र के बाद, भाई कोई उसमें दो राय नहीं है, ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत तो कल भी हिंदू राष्ट्र था, ये संतों की भूमि है, ये तप की भूमि है, ये जप की भूमि है, और ये राम की भूमि है, ये राम की भूमि, ठीक है। और जो लोग बाबा जी को पाखंडी कहते हैं उनके, ये देश अली का नहीं, ये बजरंग बली का देश है, इसलिए जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें शिवम भैया ने जो बोला ना भैया, बहुत खतरनाक बोला, एकदम रोंगटे खड़े हो गए भाई ने जो बोला। मैं मानता हूँ ये है कट्टर हिंदू हमारे, और ऐसे शेर और होने चाहिए, ऐसे शेर होंगे तभी जाकर हमारा हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनेगा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलता हूँ शिवम भैया से, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, आपसे वार्तालाप करके। जय सिया राम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सनातनी मयूर अभी के लिए विदा लेता हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और भी बागेश्वर धाम से जुड़ी या फिर सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। जय सिया राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम।